نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الامين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم ونصلي ونسلم على آله الطيبين الطاهرين المطهرين وصحبه الكرام المتقين المنتجبين وأولياء أمته والصالحين وعلماء ملته العاملين أما بعد فَأَوْذُ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات وقال ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا صدق الله مولانا العظيم معزز سامعين وناظرين مشايخ عظام इसजा वलमाए कराम अज़ीज़ तलबा वालबात और मुज्ज़ ख़वातिन हज़ारत पिछली नशिस्त तक हमने ये वाजे किया था कि अल्लाह तबारक ताली ने कुरान मजीद में हुजूर नबी अकरम अलैहि वसल्लम की इतात को और आपकी इतबा को और आपकी सुन्नत मुबारका को और आपकी हदीस को और आपके हर फरमान को उम्मत पर फ़र्ज़ वाजिब और हजत व लाजम करने के लिए अपने नाम के साथ मिला कर जिक्र किया है सैकड़ों मुकामात पर सैकड़ों आयात ऐसी हैं कई सौ जहाँ जोड़ा है अपने नाम के साथ हज़ूसलामाम का इसमें गरामी और फिर ऐसे भी कई मकाम हैं जिनका ज़िक्र पिछली नशस्त में हुआ कि वहाँ अपने और अपने हबीब सलीसम का जिक्र इकट्ठा करके वाव आतफ़ा के साथ और लगा कर मगर उसके लिए ज़मीर वाहिद की इस्तेमाल की है जब फेल बयान किया या कोई सीख अमर हुक्म बयान किया तो उसमें ज़मीर वाहिद की इस्तेमाल की दो ज़ातों का जिक्र किया अल्लाह ताला ने अपनी जात का और हुजूर हज़ूराम की जात करामी का दो इतातों का जिक्र किया अल्लाह ताला ने अपनी इतात का और हजूर असलात वाम की इतात का मगर उन मकामा पर उस हुक्म के बयान के लिए ख़ा उसका जिक्र बसीग अमर आया बसीग फ़ेल आया उसमें ज़मीर वाहिद की इस्तेमाल की एक की ताकि लोग की इतात और अल्लाह रब्ल की इतात को जुदा ना कर सकें फरमान रसूल की हज्जत और आयत क़ुरान की हज्जत इसको जुदा न कर सकें और दोनों को एक ही हैसियत दें फ़र्ज़ और हजत होने के लिए आज हम अपनी गुफ्तु इसी मौजू के बाद दीगर पहलुओं पर और कुरान मजीद के दीगर दलाइल पर मरकूज़ कर रहे हैं आपने कुरान मजीद की आया करीमा अक्सर पढ़ी है और अक्सर सुनी होगी और मेरे खिताब में मेरे दुरूस में आपने कई बार इसका जिक्र और इसकी तफसीर को सुना होगा जिसमें अल्ला हरबुलज़त ने फरमायाउ बिल्लाशरजीम वरफ़ाना का ज़िक्र रख और हमने आप के लिए ए हबीब अलैहि सल्वाल वसलम आपका ज़िक्र बुलंद कर दिया है इस आयत करीमा की तफसीर बहुत से मुक़ाम पर मैंने बयान की है उस इस आयत पर मुस्तकिल मैंने कई मुकामात पर गुफ्तु की है इसके हवाला जात बयान किए हैं और इस आयत की तफसीर ख़ुद अल्लाह रबत ने फरमाई आयत भेजी फिर अल्लाह रबत ने इसकी तफसीर फरमाई जो सैदना जब्राइल अमीन के ज़रिए आकल असलातम तक पहुँचाई और उस हदीस का ज़िक्र मैंने कई मकाम पर किया है इस वक्त मैं उस इस आयत करीमा की तफसीर में और इसके इसकी शरह में नहीं जाना चाह रहा वो मैंने मतद्द बार बयान कर दी सिर्फ़ इस वक्त ये कहना चाहता हूँ कि जब ये आयत उतरी अबू सईद खुदरी रज़ील्ल्ला तदीस के रावी हैं तो सदना जब्रैल अमीन आकलाम की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो उस पर सीधा जब्राइल अमीन ने आके पूछा हुजूर हजूर से आयत उतारने के बाद कि बारी तला मेरा और आपका रब अल्लाह इज़्ज़त, उसने मुझे ये पैगाम भेजा है ये कह कर भेजा है ये फरमा के भेजा है कि मैं आपसे पूछूं, ये एक मोहब्बत भरा रिश्ता है और ये हम कलामी का एक बड़ा मोहब्बत भरा तरीक़ा है ख़ुद आयत करीमा नाजिल की जब्रील अमीन आयत करीमा को लाए और अल्लाह रबुलज़त ने फरमाया जब्रैम मेरे महबूब से पूछो आपको मालूम है कि मैंने आपका जिक्र किस तरह बुलंद किया है अन्ना नबी सकाल अतानी जबरील फ़काल इन्ना रब्बी व रबा का यकूल व तदरी कई रफात जिक्रक आप अंदाजा कीजिए कितना प्यारा अंदाज या अलैहि वसल्लम आपके रब और मेरे रब ने इशात फरमाया है कि मैं आपसे पूछूं कि अ मेरे हबीब मुकर्रम आपको मालूम है कि मैंने आपका जिक्र किस तरह बुलंद किया है कुल तो अल्लाह रसूल हु आलम तो आकलाम इर्शाद फरमाते हैं मैंने जवाबन कहा जब रईल मीन को अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है अल्लाह तो फिर जब्रैल अमीन को अल्लाह ताला ने इसकी तफसीर दे के भेजी थी कि पहले मेरे महबूब से पूछना जब वो जवाब दे दें और अल्लाह को ये भी मालूम है कि मेरा महबूब यह कहेगा अल्लाह व रसूल हुआ आलम यानी वो इस आयत की तफसीर भी अल्लाह ही से सुनना चाहते हैं कि आयत भेजने वाले रब ने खुद इसकी तफसर क्या बताई है जब्राइल वो बता तो फिर उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह वसलम अल्लाह हर हरबुलज़्ज़त फ़रमाता है ये अल्लाह का इर्शाद है खाला एजा कि आपका तमायिक्र बुलंद करने का मतलब यह है कि मैंने दीन इस्लाम में ये उसूल कायम कर दिया है और इसे शरत ईमान बना दिया है और शरत कबूलीत आमाल बना दिया है अमाल के कबूल होने का नमाज़ के कबूल होने का ईमान के कबूल होने का आज़ान के कबूल होने का मैंने ये तरीक़ा वज़ा कर दिया है मेरे हबीब के जहाँ भी मेरा ज़िक्र किया जाए वहाँ आपका जिक्र साथ ज़रूर किया जाए इसकी शरह में बहुत से और अकवाल हैं सिहाब कराम के हज़रत अब्दुल्ला अबन अब्बास के अकवाल हैं हज़रत दिहाक़ के अकवाल हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के अकवाल हैं और बहुत से फिर मज़ीद से हबः कराम ताबे अतबा ताबेन और अइम सलफ़ साल के अकवाल इससे मैं एक नुकता नुक़ाखज़ करना चाहता हूँ और फिर आगे आज का जो मौजू है उसकी चूँकि बुनियाद ये आयतः करीमा बन रही थी इसलिए मैंने अपना कलाम यहाँ से शुरू किया इस आया करीमा को इमाम अबू याला ने रिवायत किया है अपने मुसंद में और इमाम अबिन हिब्बान ने रिवायत किया है अपने सही में और इस हदीस की सनद हसन है और इमाम हैसमी ने भी इसका तस्करा किया फिर इसे इमाम इबन अबी हातिम ने रिवायत किया अपनी सनत से इमाम इब्न जरीर अतबरी ने इमाम अल अलखलाल ने इमाम दैलमी ने अल अलखल्ल ने असन्ना में दैलमी ने मुस्न्दलफ़िरदौस में इस इस हदीस की कि अल्लाह इजत ने फरमाया है कि आपका जिक्र मैंने यूं बुलंद किया है कि इजाजिक तो जिकिर तमाइया जब भी मेरा जिक्र किया जाए आपका जिक्र हर सूरत साथ किया जाए मैसेज यह है कि जो रब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को अपने जिक्र से जुदा करने की इजाजत नहीं देता और अपना ज़िक्र तनहा जिक्र रसूल के बग़ैर किए जाने की इजाज़त नहीं देता वो रब अपनी इतात को रसूल की इतात के बग़ैर तनहा वाजब हुज्जत कबूल किस तरह करेगा वो इतात रसूल के बग़ैर इतात इलाही को कैसे कबूल करेगा वो सन्नत रसूल की हजीत के बग़ैर हजियत कुरान को कैसे कबूल करेगा जो कहता है मेरा नाम भी ना लिया जाए मेरे रसूल मेरे मुस्तफा के नाम के बगैर मेरा ज़िक्र भी ना किया जाए मेरे महबूब के जिक्र के बगैर अब जिन आइमा ने मुफसरिन ने भी इसको लिया है और इस पर इस्तलाल किया है इस पर अतमाद किया है और इससे इसको बहस में लेकर बग़ैर रद के बग़ैर तान के बगैर तनकीद के बगैर इनकार के बगैर इख्तलाफ के लिया है तो उम्मत का पंद्रह सदियों से मुहदसन मुफसरीन का इस पर इजमा है आपको कहीं आइम हदीस में और आइम तफसीर में इस पर इख्तलाफ नहीं मिलेगा यह बात इसलिए कह दी कि कोई आज कोई शख्स ऐसे ही पढ़े बगैर और किताबों को हज़ारों किताबों को खंगाले बगैर कह दे कि नहीं ऐसी बात नहीं है इस पर इख्तराफ ही नहीं हुआ तो इमाम तबरी ने जाम बयान में हाफिज़ इबन कसीर ने अलपनी कुरान में अल हैसमी ने मवारद जमान में और मजमो जवाहद में और इमाम हाफिज़ इबन हजर असकलानी ने बारी में सब ने बयान करके फिर इसके ऊपर इस्ताद किया दलाइल दिए इस बुनियाद पर अकाम वज़ा किए और उनसे पहले फिर इमाम शाफे ही ने हकाम फ़ा किए इसको बयान करके इमाम बघवी ने इमाम कुरतबी ने फिर इमाम मुनावी ने खतीब बगदादी ने समानी ने अलरज़ फिर इससे बात कुरतबी के हकाम कुरान के साथ जैसे मैंने कहा कि बघवी और सूती और तबरी और इमाम शाफ ने अपने हकाम कुरान में और इमाम सनानी ने और इमाम असालबी ने अलजवााहबिहार में और इबन अलजौज़ी ने और इमाम इमामा शौकानी ने और इमाम वाहिदी ने और आलूसी ने और इमाम सयूती ने आलद खान में अलगरज आप तवील फहरिस्त है इस आयत करीमा को उठा लीजिए कुरान मजीद मतकदमी से मुतान तक जिस इमाम तफसीर की तफसीर को चाहे उठा लें यह किसी मसलक और अकीदे की, की बात नहीं है जिसको उठा लें आपको इतराफ़ नहीं मिलेगा इस मौजू पर और वो ये कि हजूराम का जिक्र अल्लाह के जिक्र के साथ मिलाना वाजिब है और अल्लाह इज़्ज़त अपने नाम का जिक्र रसूल वसल्लम के नाम के जिक्र को जोड़े बगैर कबूल नहीं करता और अब्दुल्ला अबिन अब्बास रजी अल्लाह तु फरमाते हैं फरमाते हैं कि इसका मानना यह है कि ला जकिला जुकििर माइ के मेरा जिक्र न किया जाए अल्लाह रबु इजत फरमा रहे हैं वरफा रफ़ा अनाला का जिक्र के माना में कि मेरा जिक्र करने की इजाज़त नहीं है अगर मेरे महबूब का जिक्र साथ ना किया जाए खा अजान हो अब आप अजान नहीं कह सकते अशद अल्लाह के बाद अगर अशद उन महमद रसूल्ला न कहो खा इकामत हो इकामत में जितनी बार अरशद्ला कहेंगे मुतसलन उतनी बार अशद महमद रसूल्ला कहेंगे क्योंकि इसमें फिकी मजाहब में इफराद और तस्निया की बहस है हालत नमाज में तशहदो और हालत नमाज में जो तशहद है और तशहद उला और तशोद उखरा इसमें तो तीन मरतबा अल्लाह पाक ने हजूसम का जिक्र दाखिल फरमाया अपनी नमाज में जो मम्बा और सरचमा है तोहीद है तीन मरतबा हजूर का जिक्र फरमाया है जब आप तशहद में बैठ जाए तहियात। तो तहियात वसलावा ये तहियात पेश करके फिर मुतवज होकर इरादतन इशा हजूर पर सलाम पेश करें अमैक्य नबी वरहमत लाबरक हजूरम की तरफ मुलतफित हो जाए मुतवजह हो जाए अपनी तवज्जो आका की तरफ मरकूज कर लें और अपने चश्म अपने तस्वुर में अपने कल्बी रूहानी जहनी तसवुर में आकलेसम को मुखातब ठहराएं और खिताब करके कहें ए नबी सल्ह्वसम नबी मुकरम आप पर सलाम हो एक बार जिक्र दूसरी बार कलम शहादत में तशोद के अंदर इसलिए उसको तशोत कहते हैं अशदुल्ला का हिस्सा बयान करके अशद मोहम्मद अनब्दर दूसरी बार जिक्र आया उसके बाद फिर तशौद के अगले हिस्से में मज़ीद दो बार जिक्र आया तो ये तीन भी नहीं चार बार ज़िक्र आता है आकल इस्लाम का तो दो बार दरूद इब्राहिमी आ गया अल्लाह मुसल अला महमदिन व अलामदिन कमा सल फिर अल्लाह मबारक अला महमदिन व अला महमदिन कमा बारक अला इब्राहिम अब आप दीजिए दीखी अल्लाहबुलजत ने अपनी नमाज में चार बार अपने महबूब का जिक्र किया है एज़ा ज़ुकिर तो मई अगर लोग मेरी बारगाह में अपने हदिया नमाज हदिया इबादत बदनी माली कौली इबादतें पेश करें और मेरी तोहीद का नाम लें तो महबूब उसके साथ चार मरतबा आपका जिक्र मेरे जिक्र के साथ मिलाएं इसी तरह योम जुमा मंबरों पर खुतबा जायज़ नहीं है अगर आकल अकल असलातम का जिक्र साथ ना हो खुतब जुम्मा इस तरह खुतब योम फ़ित्र योम ईद जायज़ नहीं यौम ईद अजहा का ख़ुतबा जायज़ नहीं इस्लाम के जिक्र के बगैर अमाम तशरीक जो ईद उल अजहा के बाद दिन आते हैं उनके अजगार जायज़ नहीं इस्लाम के जिक्र के बगैर योम आरफा में आका का जिक्र होगा जिमार जहाँ पत्थर मारे जाते हैं वहाँ इस्लाम का जिक्र होगा सफ़ा मरवा पे पर इस्लाम का जिक्र होगा खतब निकाह में इस्लाम का जिक्र होगा हती के मस्जिद में दाखिल होते हुए हुजूर का जिक्र हुजूर पर सलाम पढ़ा जाएगा मस्जिद से खारिज होते हुए, हुए हुजूर पर सलात व सलाम पढ़ा जाएगा मेरी अरबइन की किताब है हदीस में और अलबद्र तमाम भी मेरी सलाम पर हदीस की किताब है उसमें आपको ये तमाम अहदीस सिहबा कराम और ताबेन अतबा ताबेन के आसार मिल जाएंगे और अभी इन शह तुम किताब आ रही है बल्कि वो किताब तो पहले आ चुकी होगी असलूकत हदीस में मेरी चार जिल्दों पर किताब आ रही है चार जिल्दों पर उसमें पूरा बाब है जिसमें आप पढ़ेंगे कि मस्जिद में कदम रखते हुए और मस्जिद से निकलते हुए किस तरह अल्लाह के जिक्र के साथ हुजूर पे पर सलाम पढ़ने का मामूल है तो इर्षात फरमाया हती कि अपने घरों में दाखिल हो घरों में वहां हजूराम पर सलाम पढ़ो अगर घर वाले मौजूद हैं तो साफ जर असलामीकुम कहेंगे अपने घर वालों को और अगर कोई शख्स भी मौजूद नहीं तो तब भी हजूर पर सलाम कहेंगे असलामे का या रसूल अल्लाह अपने घर में दाखिल होते हुए रुए जमीन पर मशरक से मगरब तक हर मुसलमान जब घर में दाखिल हो और घर में कोई शख्स भी ना हो तब भी हजूर पे सलाम कहे आकाल सलाम पर सलाम कहे इसको तो हदीस ने तो बयान किया मगर ने जब में इसको बयान किया उसकी मुल्ला अली शराबारी शर शिफिफा में जब इस हदीस की काजी की शिफा की इबारत पर शरा लिखी तो मुल्ला अली कारी ने लिखा कि क्यों घरों में दाखिल होते हुए हजूर पर सलाम किया जाए पढ़ा जाए जब कोई भी नहीं तो उन्होंने वजह लिखी ले रूहू सल्ला हादिरत इस्लाम चूंकि रूए जमीन पर जितने अहल इस्लाम हैं और उम्मत मुहम्मदी के अफ़राद हैं हर एक के घर इस्लाम की रूह तैयबा हाजिर होती है आपकी रूहानियत का फैज हर जगह मौजूद होता है यह हाजिर होने का माना है आपकी रूहानियत का फैज़ नब का फैज रिसालत का फैज आपके अनवार तवजहत और आपकी रूह मुबारक उसके जो फजूजात हैं वो हर अहले ईमान के घर मौजूद होते हैं तो हुजूर पे सलाम पढ़ने के लिए लाजमी नहीं कि गुमबद खजरा के पास मुआजहा शरीफ के सामने जाली मुबारक के सामने जाओ तो सलाम कहो नहीं शर्कता गर्म अपने घर गर में भी दाखिल हो तो हुजूर पे सलाम कहो जब अल्लाह इद्दत ने पाबंद कर दिया कि जहां कहीं नमाज पढ़ो मेरी नमाज में बैठो तो मेरे महबूब को खिताब करके सलाम कहो सलामै का अय्यून नबी या नबी अल्लाह आप पर सलाम हो और फिर आगे बढ़ो तशोद की तरफ तो मकसद बात का यह था कि अल्लाह तबारा का वाली ने जब किसी मुकाम पर फरमाया वो मजलिस बेकार है कि जिस मजलिस से उठे तो मेरा जिक्र ना करें और मेरे महबूब पर दरुदो सलाम ना भेजें वो बेबरकत होगी और ऐसा बंदा जो मेरे महबूब पर दरूद और सलाम पढ़े बगैर मजलिस से उठ जाए क्यामत के दिन हसरत याफ्ता होगा महरूम होगा मेरी रहमतों से हत्ता के फरमाया आपस में मुसलमान मिलें मुसाफा के वक्त सलाम करें रसूल वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजें ये एक अलग बाब है इस पर मैं कितनी सौ हदीसें बयान करता चला जाऊं तो शायद मजमून खत्म ना हो मैंने सिर्फ एक नुखबा दिया है एक निचोड़ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि दीन इस्लाम में अल्लाह तबारा का वाली ने हजूर इस्लाम के जिक्र को कितना वाजिब कर दिया है नागजीर कर दिया है इन एविटेबल और इनडिस्पेंसेबल कर दिया है अल्लाह के जिक्र के साथ कितना जोड़ दिया है इनसेपरेबल हैं अब ये दोनों जिक्र इनसेपरेबल है इन्हें जुदा कर ही नहीं सकते वही ईमान का गोया जसद आप काट डालेंगे तो फिर हुजूर की इतात को इताते इलाही से और हुजूर की सुन्नत को कुरान से किस तरह जुदा कर सकते हैं अब ये जो मैंने पूरी एक बुनियाद आपको समझाई इसकी रोशनी में एक खास बात कहना चाहता हूं अलावा इसके जो मैंने जो मैंने रेफ़रेंसेस दी है अभी तक कि इस हदीस के कहाँ कहाँ वाला जात हैं और किन किन आइम्मा ने अपनी कुतुब हदीस और कुतुब तफसीर में रिवायत करके इस हदीस पर और इन मानी पर अतमाद किया इसके अलावा कुछ और भी और वो ये कि हज़रत मुजाहिद ये भी ताबे हैं है। उन्होंने भी यही माना बयान किया अब्दुल अबिन अब्बास रजी अल्ला के अलावा वबी हज़रत कतादा ताबई हैं उन्होंने भी यही बयान किया हज़रत हैसम ने भी यही माना बयान किया और इबन अबी हातिम के अलावा इमाम अब्दुलरक ने अलमुसन्फ़ में भी इनकी रिवायात को लिया इमाम फरियाबी ने भी इनको इन इन हदीस को रिवायत किया इमाम सईद बिन मंसूर ने भी इनको रिवायत किया ये कुरून उला के दौर के आइम्मा तफ़ीर और अइम हदीस हैं जिनको कोट कर रहा हूँ पहले मैंने मारूफ आईम तफसीर बता दिए थे अब ये कुरून उला की पहली सदियों के आइम तफसीर हैं जिन पर सब का एतमाद है इमाम सईद बिन मंसूर ने इमाम अब्द बिन हुमैद ने रिवायत किया इमाम इबनर ने रिवायत किया इमाम बहकी ने अपने दलायल में इनको जमा किया और फिर मैंने आपको कहा कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने बयान किया और इमाम शाफेई ने बयान किया और फिर इन पर एतम किया अब यहाँ एक मैं खास बात कहना चाहता हूँ और आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि मबजूल हो ये तो थे वो रेफरेंसेस जो कुरान मजीद की आयत करीमा की तफसीर में कुरून ऊला से लेकर मुतकदमीन से मुताख़रीन तक आई हदीस ने रिवायत किए सही जयत और हसन इसनात के साथ और आई तफसीर ने बयान किया और इनके ऊपर अहतम किया अब इस पर एक मैंने काम किया खुद आज कुरान के तालब इम के तौर पर वो आपको कोट करना चाहता हूँ। मैंने कुरने मजीद से अलहम से लेकर वन्नास तक अल्लाह रबुल्जत के इस फरमान की शहादत को तलाश किया मैंने इस पर मेहनत की मुताला किया अल्लाह पाक की तोफीक से इस एंगल से कि वो कौन कौन से अहकाम हैं देखो आयात मैं तस्करा कर चुका हूं अब मैंने तलाश की है कुरानी मजीद से कि वो कौन कौन से अहकाम हैं जिन में अल्लाह ताला ने अपने ज़िक्र और हज़ुर इस्लाम के जिक्र को जमा कर दिया है और उनका जमा और इख्रान आपस में नागुज़ीर कर दिया है उनका जुड़े रहना वाजिब कर दिया है और उनको जुदा नहीं किया जा सकता वो कौन कौन से अहकाम दीन हैं अकायद के और अकाम के और अमाल के कौन से पहलू हैं मैंने इस निगाह से आहम से वन्नास तक पूरे कुरान का मताला करके उन तमाम अहकाम को निकाला ये कुरान मजीद का एक पूरा अलग से इंडिपेंडेंट और स्पेशल मुता था वरफा रफा अना का जिक्र रख के इस राज को पाने के लिए कि कुरानी शहादतें क्या हैं? अब मैं उनके नाम बताना चाहता हूँ फिर नमूने के तौर पर कुछ आयात करीमा कोट कर दूँगा कुरान मजीद में एक सौ आयात हैं जिनमें मुख्तलिफ अहकाम आए हैं एक सौ आयात में वो अहकाम आए हैं जिनमें अल्लाह तबारा का बताल ने हजूर सलाम की ज़ात इकदस और आपके जिक्र पाक को अपनी जत ग्रामी और अपने जिक्र पाक के साथ जोड़ दिया है और इनडिपेंसबल कर दिया है उनका इकट्ठा होना उन्हें फोड़ा नहीं जा सकता सौ आयात करीमाएं अब ऐसा गलत मोकफ रखने वाले क्या इन को निकाल देंगे कुरान मजीद से क्या करेंगे और वो कौन से अहकाम हैं और मामलात हैं और अमूर हैं जिनमें अल्लाह रबिजत ने जोड़ा है उनमें एक तो ईमान है इसके लिए कुछ आयात इब्तान हम अपनी इस सिलसिलावार गुफ्तु में बयान कर चुके हैं जहां ईमान की बात आई है अल्लाह रबिजत ने अपने जिक्र और हजूर के जिक्र को इकट्ठा किया फिर मोहब्बत अपने जिक्र और हजूर के जिक्र को इकट्ठा किया व <द्थारी> हब्बिल्ह फिर तात, आप वो तमाम आयतें अड़तीस आयतें सुन चुके हैं हमारे सिलसिलावार गुफ्तु में हम इस पर कई नशितों में बात मुकम्मल कर चुके हैं जहां इतात का जिक्र आया है अल्लाह अल्लाहबुलज़त ने एक जगह पर भी तनहा अपनी इताद का जिक्र नहीं किया पूरे कुरान में फ़कत एक आयत भी नहीं जहाँ अकेले अपनी इताद का जिक्र हो और हजूर इस्लाम की इताद को साथ जोड़ा ना हो मैं बयान कर चुका हूँ कि बीस आयात करीमा ऐसी हैं जहाँ अल्लाह ने अपनी और अपने हबीब की इतात को जोड़ दिया है और अट्ठारह आयात ऐसी हैं जहाँ फ़कत इतात रसूल का जिक्र किया है अपनी इतात का जिक्र अल्लाह ने छोड़ दिया नहीं किया इसलिए कि इतात रसूल अगर हो गई तो अल्लाह पाक की इतात आज खुद उसमें शामिल है मगर अकेली अपनी इतात का जिक्र किसी एक मुकाम पर भी नहीं किया इस तरह मासीयत कि कोई आदमी अगर नाफरमानी करता है तो नाफरमानी करने पर जो वहीद है वहां भी अल्लाह की नाफरमानी रसूल की वाफरमानी इकट्ठी बयान की सदूद है इनहराफ सदूद और एराज इनहराफ करना रूगरदानी करना अल्लाह रसूल को इकट्ठा बयान किया है अगर कफर का जिक्र आया है तो कई जगहों पर अल्लाह रसूल को इकट्ठा बयान किया है तस्दीक की बात हुई है हक को तस्दीक करना अल्लाह रसूल का इकट्ठा जिक्र आया है कज़िब की बात हुई है या तकजीब की जुटलाना तो अल्लाह और उसके रसूल का इकट्ठा बयान किया है कि उन दोनों की जुटलाने की सज़ा और कुबत एक होगी हद का अगर जिक्र हुआ है कि यह हद है तिल का हदूद्ला व मैयासी व रसूल तो अल्लाह रसूल का जिक्र इकट्ठा आया है तहलील और तहरीम की बात आई है तो कई जगहों पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र इकट्ठा आया है दावत की बात आई है रसूल तो जिक्र अल्लाह रसूल का इकट्ठा आया है कई जगहों पर हुक्म की बात आई है तो अल्लाह रसूल का जिक्र इकट्ठा है कदा की बात आई है अल्लाह रसूल का जिक्र इकट्ठा है माकान वाह मोमिनतल्लासूल अमरन किसी मोमिन मर्द औरत को ये इख्तियार नहीं कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल अगर फ़ैसला कर दें तो फिर वह अपनी मर्जी इस्तेमाल करें रुजू का मकाम आया है तो अल्लाह रसूल का जिक्र इकट्ठा है इन क़ियाद का किसी चीज़ के ताबे हो जाना इतात करना पाबंदी इख्तियार कर लेना उसका ज़िक्र आया है तो अल्लाह रसूल का जिक्र इकट्ठा है इसी तरह हजरत का जिक्र जहाँ आया है महाजरन अल्लाह व रसूल तो हिजरत करने में अल्लाह रसूल का जिक्र इकट्ठा है बे बेचने में अल्लाह रसूल का जिक्र इकट्ठा है विलाया अल्लाह रसूल का जिक्र इकट्ठा है इन्नमा वली कुमल्ला व रसूल अल्लाह रसूल का जिक्र इकट्ठा है अहद वादे का जिक्र अल्लाह रसूल का इकट्ठा है अजान का जिक्र अजान अल्लाह व रसूल जिक्र इकट्ठा है बरात बरी होना जिम्मेदारी का उठ जाना रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिमूव हो जाना वो आया है तो बरातुम बिनल्ला व रसूल जिक्र इकट्ठा है मुहारबत जंग वार उसका बयान आया है तो जिक्र इकट्ठा किया है यो अल्लाह व रसूल जहाद उसका जिक्र आया है तो इकट्ठा फे का गनाइम का खुम उसका अनफ़ाल का ये जो बूटीज और अम्वाल गनीमत और इससे आते हैं जंग की फतोहत के बाद उसके जिक्र में इकट्ठा बयान आया है मुशाकह मुखालफत मुखालफत का जिक्र आया है तो अल्लाह रसूल का बयान इकट्ठा है मुहाद युहादून अल्लाह रसूल जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं जो अल्लाह उसके रसूल की हुक्म को नहीं मानते इकट्ठा जिक्र आया है नुत का जिक्र आया है तो इकट्ठा रामजेंकना का जिक्र इकट्ठा आया वमयता इज़ रमयता वाला किन्न जो कंकरियाँ आपने फेंकी वो आपने नहीं फेंकी वो अल्लाह ने फेंकी तो जिक्र इकट्ठा कर दिया है दुआ बुलाना उसका जिक्र इकट्ठा कर दिया है इस तजावत इस तजीबुल्लाह वल रसूल लब्बैक कह के हाजिर हो जाओ उस बारगाह में जब बुलाया जाए तो जिक्र इकट्ठा है इजन हुक्म उसमें जिक्र इकट्ठा है अमानत ट्रस्ट उसमें अल्लाह रसूल का जिक्र इकट्ठा है और खयानत कोई अगर उसके अंदर चोरी करे बदयानती करे, डिसऑनेस्टी करे तो उस बाप में भी सज़ा इकट्ठी अल्लाह रसूल का ज़िक्र इकट्ठा है फिर रजा राजी होना प्लेयर उसमें अल्लाह रसूल का जिक्र इकट्ठा है गना किसी को गनी कर देना अमीर कर देना ज़िक्र इकट्ठा है फ़दल करना किसी पर ब्लैसिंग्स अल्लाह रसूल का जिक्र इकट्ठा है इनाम भी ब्लैसिंग्स अल्लाह रसूल का जिक्र इकट्ठा है अदब रिस्पेक्ट ऑनर लातकदम बना यद व रसूल है तो अल्लाह रसूल का जिक्र इकट्ठा है एहानत बेअदबी और गुस्ताखी उसमें भी अल्लाह रसूल का जिक्र इकट्ठा है इसतजा मजाक उड़ाना इसमें भी अल्लाह रसूल का जिक्र इकट्ठा है फिर मुराफा साथ संगत रफाकत उसमें जिक्र इकट्ठा है इस्तेज़ान इजाजत तलब करना उसमें अल्लाह रसूल का जिक्र इकट्ठा है इजान तेजी से इतात गुजार बन के किसी की तरफ जाना तेजी के साथ किसी को ओबीडियट बन के फॉलोअर बन के जाना क्विकली लब्बैक करना रिस्पॉन्स देना उसमें जिक्र इकट्ठा है नसीहत में जिक्र इकट्ठा है माजरत में जिक्र इकट्ठा है इल्म में जिक्र अल्लाह रसूल का इकट्ठा है रोइत में अल्लाह रसूल का जिक्र इकट्ठा है सलात में ज़िक्र इकट्ठा हैुर्बत नियरनेस में जिक्र इकट्ठा है नईत कंपनी में जिक्र इकट्ठा है हिदया गाइडेंस में अल्ला रसूल का जिक्र इकट्ठा है तस्लीम सरे तस्लीम खम करना मान लेना उसमें जिक्र इकट्ठा है और अगर ज्यादती का खौफ किसी का बयान किया कि इसको ज्यादती का खौफ है उसमें भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र इकट्ठा बयान किया सिद्क सच्चाई में जिक्र अल्लाह रसूल का इकट्ठा बयान किया इरादा इंटेंशन अल्लाह रसूल का जिक्र इकट्ठा है नूत में इस्लाम में जिक्र इकट्ठा है इख्तियार में जिक्र इकट्ठा है इर्तियाब शक को शुबा पैदा होना जिक्र इकट्ठा है रहमत में मरसी में जिक्र इकट्ठा है लान में जिक्र इकट्ठा है अजियत तकलीफ में जिक्र इकट्ठा है तकदीम किसी को पहले करना जिक्र इकट्ठा है ताज़ीर सज़ा देने में जिक्र इकट्ठा है तोकीर इज़्ज़्ज़्ज़्त और रेवरेंस में जिक्र इकट्ठा है इज्जत में जिक्र इकट्ठा है नुसरत और मदद में जिक्र इकट्ठा है बला हुक्म पहुंचाने में जिक्र इकट्ठा है रिसाला मैसेज पहुंचाना इसमें जिक्र इकट्ठा है अमर और नहीं में जिक्र इकट्ठा है फरज और हकाम में जिक्र इकट्ठा है वाद और वहीद जन्नत का वादा या दो की सजा का जिक्र वादा उसका जिक्र इकट्ठा है इखबार और, और बयान इसमें जिक्र इकट्ठा है ये कुरान मजीद का अहम से वन्नास तक मुताल करके मैंने ज़िंदगी में जो निचोड़ निकाला है आज आपके और पूरी कौम के सामने रख दिया अब मुझे बताइए कि दीन इस्लाम की तालीमत में कौन सा हिस्सा कौन सा शोबा कौन सी शिक और कौन सा आर्टिकल बाक़ी रह जाता है जिसमें अल्लाह ने अपने मुस्तफ़ा को और महबूब गरामी और रसूल अक्रमल्लम को अपने साथ नहीं जोड़ा इसके बाद कौन से अकाम बाकी रह जाते हैं अब बतौर नमूना मैंने आपको ये कोट कर दिए ऐसे नमूने के तौर तो पर चंद आयतें दे देता हूँ और मैंने अर्ज़ किया कि ये मेरे मुताल में पूरी सौ आयतें भी इस वक्त भी मेरे सामने जितनी मैंने तस्करे किए मुख्तलिफ़ अमू के उनके नमूने के तौर तो पर चंद एक देखिए वो सौ आयतें या सौ से भी ज़्यादा आयतें हैं जिन में अल्ला ने इन तमाम अमूर में अकाम में मामल में सलाम के जिक्र और अपने जिक्र का इकट्ठा होना नागुजीर डिक्लेयर किया उसे शर्त ईमान बनाया मुसलमान होने की कंडीशन करार दिया उनमें सुन लीजिए तिल का हदूदल्ला मैयत तो व रसूल ये अल्लाह की हदें हैं सो जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे वही हदों को कायम करेगा जन्नत में जाएगा व मै व रसूल व यदा हुदूदा जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे और अल्लाह की हदों को तोड़ दे तो यहाँ नाफरमानी में और अल्लाह की हदों को तोड़ने में ज़िक्र इकट्ठा कर दिया फरमाया फ़िन तनाजा तुम फी शन फ़र उद्दू हो रसूल अगर तुम किसी चीज़ में मैं रेफरेंस भी देता जाऊँ ताकि अच्छी बात है जितने भी रेफ, मैं आयतें कोट करूँगा उनकी रेफरेंस आ जाए तो बेहतर है तिलक हदूदल्ला की जो पहली आयत कोट की ये सुर नसा की आयत नंबर तेरह है थर्टीन व मई यासी व रसूल ये भी सूरा निसा की अगली आयत है आयत नंबर चौदह फोटीन फ़ैन तनाज़ा तुम फी सैन व रसूल ये सराह निसा की आयत नंबर फिफ्टी नाइन उनसठ है तो इसमें रुजू में अल्लाह रसूल का जिक्र इकट्ठा है रुजू में पहले इतात में आ गया हद में आ गया मासीत में आ गया रुजू में आ गया अब आ गया तनाज़े के मामले में रुजू में भी इकट्ठा और फिर आगे वैज़ाकिलो इलामान जलल्ला रसूल दावत में इकट्ठा ज़िक्र आ गया दावत भी अल्लाह रसूल की तरफ एक ही दावत जब उन्हें कहा जाता है कि आओ अल्लाह के नाजिल करदा आकाम की तरफ़ और आओ रसूल की तरफ दावत दी जाती है तो मुनाफिक अल्लाह की तरफ़ जाने से नहीं कतराते मेरे महबूब आप तरफ आने से घबराते हैं ये सुर नसा की आयत नंबर इकसठ है सिक्सटी इसी तरह इनमा जजा उल्जी व रसूल मुहारबत जंग वार उसमें भी जो लोग लो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग करते हैं उनकी सजा ये है अब आप देख लीजिए न कोई अल्लाह ताला के साथ मुसल के जंग करता है ना कर सकता है न कोई करने वाला है भाई जंगें तो होती रही आकम से या अल्लाह के अहकाम के खिलाफ जंग है तो अल्लाह रबत ने बाहर सूरत हर जंग को जो दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ होगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ जंग करार दे दी फिर अम्वाल गनीमत जो बूटी इस जंग में जो अब आते हैं फरमाया, यस अलूना का ये जो आयत है ओपी ऊपर वाली जंग की ये आयत नंबर तैतीस है सूर्ल की थर्टी थ्री अलमाए फिर उसके बाद आयत है यस अलूना का अनिल अनफ़ाल कुलिलफ़ाल व रसूल आपसे पूछते हैं कि अमवाल गनीमत क्या हैं, बता दीजिए कि अनफ़ाल गनीमत का असल मालिक अल्लाह और अल्लाह के रसूल हैं फिर वो आगे हिस्सा करते हैं मालिक अल्लाह अल्लाह के रसूल हैं तो अमवाल गनीमत ये आयत नंबर सूरा अनफ़ाल की आयत नंबर पह, वन पहली आयत है फिर फरमाया ज़ाल का बे शाह व और ये इस वजह से है कि उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुखालफत की मुखालफत में भी इकट्ठा जोड़ दिया तो इसमें ये आयत नंबर तेरह है थर्टीन अनफाल, वही अनफ़ाल की आयत नंबर तेरह फिर ममैशाक़िल व रसूल फ़ैनल्ला शदीदुलकाब यह फिर वही आयत नंबर तेरह सूरा अनफ़ाल की सेम थर्टीन जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुखालफत करे उसके लिए ये अज़ाब होगा फिर फेल कंकरियां मारना किसी को रमा वो कंकरियां जो आपने मारी वो आपने नहीं मारी वो अल्लाह ने मारी इस्लाम के हाथों के फेल को अल्लाह अपना फेल करार दे के इकट्ठा कर रहा है ये भी सूर्य अनफाल की आयत नंबर सत्रह है सेवनटीन फिर इस तजाबत हुक्म की तामील में किसी के हुक्म को हुज्जत मानते हुए लब्बैक कह के हाज़िर होना उसकी बारगाह में इसके लिए फरमाया या मनुस्तीबू ला वल रसूल ये आयत नंबर चौबीस है उसी सूरह अनफाल की अल-अनफाल का बहुत हवाला आया है जो अनफ़ाल की सूरत है ये चैप्टर एट है जितनी जगह भी अनफ़ाल का जिक्र आए चैप्टर एट है अलफ़ाल तो इसकी आयत नंबर चौबीस है ट्वेंटी फोर तो इसमें भी अल्लाह रसूल की तरफ लब्बैक कहने के अमल में एक फिर फरमाया बरा अल्लाह व रसूल ये सूरह तोबा उसकी आयत नंबर एक पहली आयत वन के ला त्लुकी और बरात का ऐलान किया जाता है उन कुफ़ारश्रकिन से जिनसे पहले वादा किया गया था अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से ला तल्लुकी ऐलान ताल्लुक जोड़े तब भी अल्लाह कहता है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने यह ताल्लुक कायम कर दिया किसी को अपनी जिम्मेदारी में ले ले तब भी कहा जाता है अल्लाह अल्लाह के रसूल के अमान और जिम्मा में आ गए और वो उनकी वादा खिलाफी की वजह से वो जिम्मेदारी उठा ले बरात और लात ताल्लुकी का ऐलान कर दे कुरान तो तब भी कहता है बरातुमिनला व रसूल अल्लाह और अल्लाह के रसूल बड़ी हो गए उन पर तुम्हारी कोई जिम्मेदारी ना रही अल्लाह किसी एक जगह ना अपना जिक्र तनहा करता है महबूब के बगैर और ना कभी महबूब को तनहा रहने देता है अपनी जात के जिक्र के बगैर हम कौन सा कुरान और कौन सा दीन इस्लाम लिए फिरते हैं तो ये जो आयत मैंने बड़ा आतमिनला की पढ़ी तो ये भी सूरह तोबा की आयत नंबर वन इसके बाद फरमाया अजान उमिन व रसूल यह बुलावा है अल्लाह की तरफ से अल्लाह के रसूल की तरफ से बुलावा है यह भी सूरह तोबा कि आयत नंबर तीन है वर्स थ्री सूरह तोबा की इस तरह वलम है वला आयत नंबर सोलह है सूरह तोबा की इसी तरह फरमाया कुल इनकान आबाकुमानकुम अजवाजुम तवील है आखिर पर जाके आता हब्बा इमिन व रसूल तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे बच्चे तुम्हारी औलादें तुम्हारे ख़ानदान तुम्हारे कबीले तुम्हारी तजारतें तुम्हारे घर ये सब कुछ अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से ज़्यादा महबूब हैं तो अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करो वहाँ भी मोहब्बत में भी अल्लाह रसूल को जोड़ दिया ये भी सूर अतौबा और सूर तोबा जो है ये चैप्टर नाइन है जहाँ जहाँ तोबा का हवाला आए इन दो सूरतों में बड़ी कसरत के साथ ये आकाम है चैप्टर नाइन और इसकी वर्स ट्वेंटी फोर फिर तहरीम लोगों को यह भी कंफ्यूजन है कि हराम करने का रसूल को है कि नहीं माजल्ला तो कुरान को सुन ले फरमाया वला युहर मा हर रसूल उन चीजों को हराम नहीं समझते जिन्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हराम कर दिया यूहर रमूना मा हर रमल्ला रसूल उन चीजों को हराम नहीं मानते जिन्हें अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने हराम कर दिया बड़ी सादा बात है भाई अल्लाह ने तो हराम किया वो तो मालूम होगा कुरान से तो रसूल ने जो हराम किए वो कहां से मालूम होंगे अगर आप कहें वो वही हराम करदा चीजें हैं जिनका जिक्र कुरान में है तो वो तो अल्लाह की हराम करदा चीजें हैं माँ अल्लाह के तहत आ गई व रसूल और रसूल ने हराम की तो साफ जाहरा है उसका मसदर कोई और होगा वो जो हदीस रसूल के जरिए जिनकी हरमत का पता चला सुन्नत रसूल के जरिए जिनकी हुरमत मालूम हुई फरमान रसूल ने जिन्हें हराम करार दे दिया जैसा कि मैंने आपको पहले भी बुखारी का हवाला जिक्र कर दिया था गधा हराम की और इस तरह की बेशुमार चीजें तो तहरीम में ये सुरह तोबा की आयत नंबर उनतीस है ट्वेंटी नाइन तहरीम में हराम डिक्लेयर करने में आयत नंबर उनतीस है ट्वेंटी नाइन फिर फ़रमाया हम रदू मा आता हम अल्लाह व रसूल अगर वो राज़ी हो जाते उस शय पर जो उन्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने अता की थी तो अता में भी अल्लाह ने अपने साथ महबूब को जोड़ दिया ये आयत नंबर फिफ्टी नाइन है सूर तोबा की उनसठ फिर फरमाया कल हसब्ला सोतीीन अल्लाह मिन फद्र ही व रसूल हो हमें अल्लाह काफ़ी है अनकरीब अल्लाह हमें अता कर देगा अपने फ़जल से और अल्लाह का रसूल अता कर देगा तो फजल में ब्लेसिंग्स में मैं भी अल्लाह रसूल को इकट्ठा कर दिया कुरान ने यह भी सूर तोबा की आयत नंबर उनसठ है फिफ्टी नाइन फिर वल्ला व रसूल वक़ी उर्दू हो अल्लाह अल्ला का रसूल हकदार हैं कि वो लोग उसे राज़ी करें उसे राज़ी करें रसूल की रज़ा को भी एक कर दिया यहाँ भी जोड़ दिया और ये आयत करीमा फिर सिक्सटी टू है सूर तोबा की सिक्सटी टू फिर फरमायाद्व रसूल जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और अल्लाह के रसूल की ये आयत नंबर सिक्सटी थ्री है सूर तोबा की सिक्सटी थ्री फिर फरमाया अगना रसूल बिन फजल उन्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने अपने फजल से घनी कर दिया आयत सूर तोबा की आयत नंबर चौहत्तर है सेवनटी फोर फिर फरमाया क़ज़बुल्लाह व रसूल अल्लाह रसूल के साथ झूठ बोला ये भी सूर तोबा की आयत नंबर नबे है नाइनटी का इजाद दूल्ला व रसूल है जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है यह आयत नंबर फिफ्टी वन है सूरह अनूर की इक्यावन फिर फरमायादल व रसूल अल्लाह और अल्लाह का रसूल फैसला कर दे तो तुम्हें कोई मजा इनकार नहीं यह आयत नंबर थर्टी सिक्स है छत्तीसाब की अजाब का चैप्टर थर्टी थ्री है फिर फरमाया अन-अमल्लाहु वही उस पर अल्लाह ने इनाम किया और मेरे महबूब आपने इनाम किया तो इनाम करने को भी इकट्ठा कर दिया और यह भी सूरह अहजाब की आयत नंबर सैंतीस है थर्टी सेवन फिर फरमायान लजीना यून अल्लाह व रसूल जो लोग अल्लाह को और उसके रसूल को अजियत देते हैं तकलीफ पहुंचाते हैं तो अजियत देना तकलीफ पहुंचाना भी अल्लाह रसूल का एक कर दिया और इसका जिक्र भी सूरा अहजाब की आयत नंबर सतावन में है फिफ्टी सेवन तो इस तरह फरमाया इन लजीना युबा ये ऊन खा इमा युबा ऊन अल्लाह जो आपके दस्त अकदस पे बैत करते हैं वो अल्लाह के हाथ पे बैत करते हैं ये सूरा अलफ चैप्टर फोर्टी एट और आयत नंबर दस है टेन तो इसमें जमा कर दिया फिर फरमाया लातम बीना यदा व रसूल अदब अल्लाह और अल्लाह के रसूल का करो और अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे ना बढ़ा करो ये सोरा हुरत की आयत नंबर एक है वन इसका बयान हम पहले कर चुके अलगरज जितने मुकाम कुरान मजीद के लेते चले आए फरमाया वल इज़्ज़त वाल रसूल ही इज्जत अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए ये सूर मुनाफिकून सुरह मुनाफिकून चैप्टर सिक्सटी थ्री है आयत नंबर आठ एट तो आप इस तरह मुसलसल पूरे क़ुरान को देखते चले जाइए का शाखल्ला वसूलू इन लहू नार जहन्नम ख़ालदीन फ़ीहा अलगरज़ मैंने नमूने के तौर पर आपको को पच्चीस तीस आयात या पैंतीस चालीस पढ़ दी अलगरज़ सौ से ज़ायद आयतें वो हैं जो तमाम अकाम दीन दीन और दुनिया और इंसानी जिंदगी के अक़ायद के अमाल के इबादत के मामलत के मुदनियात के सोसाइटी के पॉलिटिक्स के वार के पीस के कल्चर के एक सोशल वे ऑफ इंटरक्शन के स्पिरिचुअलिटी के मालियात के हदूद के जितने मामलत दीन में शरीय में अकाम में निज़ाम में इनफरादी ज़िंदगी से इज्तमाही ज़िंदगी तक आते हैं उन सारे अहकाम के जिक्र में अल्लाह ने अपने और अपने हबीब के जिक्र को इस तरह पेवस्त कर दिया है जोड़ दिया है और इनसेपरेबल बना दिया है लिहाजा अब यह कहना कि कुरान को हजत मानते हैं और रसूल की सुनत को नहीं ये सारे के सारे कुरान की नफ़ी कर देने के मुतरद पूरे कुरान को रद्द कर देने के मुतरद और ऐसा अकीदा रख के इंसान मुसलमान नहीं रह सकता और उसका कोई ताल्लुक कुरान से बाकी नहीं बचता अब इसके बाद इन अगले जो दलाइल कुरानी हैं उनका जिक्र अगली नशियत से इन शह तुरू करेंगे वमा अलै ना इला